भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर एनसीसी ग्रुप गोरखपुर द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत के दिशा निर्देशन में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। तत्पश्चात एडीजी जोन अखिल कुमार व एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लगभग 500 धावक एनसीसी कैडेट्स को रवाना किया गया। सभी धावक सैयद मोदी रिवर स्टेडियम से विश्वविद्यालय चौराहा, छात्र संघ चौराहा होते हुए पैडलीगंज के रास्ते नौका विहार के समीप महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि मंगलेश श्रीवास्तव ने सभी कैडेट्स की जमकर हौसला अफजाई की। इस अवसर पर कर्नल बी के शर्मा, कर्नल नरेंद्र डागर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बी चंद, लेफ्टिनेंट कर्नल बी पी एस पटियाल, प्रवर्तन अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डी के सिंह, सूबेदार सुभाष गोघोलकर, मीडिया प्रभारी मदन मुरारी शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज वह दिन था जहां देश के यशस्वी लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। वल्लभ भाई जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश निर्माण में, वह सभी को मालूम है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है। उन्होंने खास करके जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जब हमारी आज़ादी हो रही थी उस वक्त, ये तीनों जो प्रोविंसेस थे ये देश से अलग होना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई जी की दूरदर्शिता थी देश की एकता और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये तीनों राज्य भारत के साथ होने चाहिए। और उनके निर्णायक निर्णय और जो उन्होंने स्टेप्स वहां उस वक्त लिए, एम्बुलेंस को आगे आ जाए। में सदियों तक भारत को पूरे विश्व का सिरमौर बनाए, एकता के सूत्र में बांधे रखे, और जो हमारी विरासत रही है अनेकता में एकता, उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती रहे। साथ में ग्रुप कमांडर गोरखपुर ग्रुप एनसीसी ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत, कैप्टन डॉक्टर वाहिद अली एम एस आई के साथ, लेफ्टिनेंट चक्षु पांडे को 102 की पता है, जैसा आपको बताया कि सेंचुरी है, और ये हमारे जो स्टाफ सुविधा कर देंगे 46 एक्सेटर दीपक का 46 की पता परिचय अंदर भी प्राप्त के पश्चात, जब मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा फोटो क्लिक होगी जो जहां जिस पोजीशन में रहेगा। 1 2 अरे आप पीछे तो वेस्ट सब पीछे ऐसा था पीछे आ गया आप अरे बोलिए पीछे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं, आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है।
और एकता दिवस के रूप में पूरा देश इसे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। उसी क्रम में आज गोरखपुर की जो एनसीसी यूनिट है ब्रिगेडियर रावत साहब के नेतृत्व में एक यूनिटी फॉर रन आज ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सैकड़ों एनसीसी के कैडेट्स आज दौड़ रहे हैं। एक बड़ा ही अनुभव प्रयास है। यह प्रयास हमारे देश की एकता अखंडता के लिए जो एक प्रतीकात्मक रन होगा, यह नवयुवकों को देश के प्रति जोड़ेगा। उसकी जो एकता अखंडता की जब मैसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो दिया था अपने जीवन कार्यकाल में अपने कर्मों से, उनके प्रति उनका एक उचित श्रद्धांजलि भी होगा। मैं पूरी एनसीसी की टीम को जिन्होंने इस प्रतियोगिता को और इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको बधाई देता हूं, और आप सभी लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मतिथि की भी शुभकामनाएँ देता हूँ। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, उन्होंने जिस तरह से देश को पूरा एकीकृत किया, एक सूत्र में पिरोया, उसके जन्मदिवस के अवसर पर हम ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और उसी के तहत आज एनसीसी का एक बृहद कार्यक्रम आपके समक्ष आयोजित है। और इस तरह से भारत को एक रखने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो ऐसे में एनसीसी के कैडेट्स भी अपना ये विचार आपके समक्ष रख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की को हम हृदय से नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और उनको अपने जहन में रखेंगे, जिससे हम उनके पथ पर, उनके बताए रास्ते पर चल सकें और देश को सर्वोपरि